सामने से अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो यहाँ पे कहीं पे भी एक स्क्रैचेस भी देखने को नहीं मिलेगा गाइस, और बाकी टायर का कंडीशन भी काफी ज्यादा सही है। लगभग इसमें से कितना माइलेज निकाल सकते हैं? लेकर आए हैं बहुत सारी गाड़ियां और वो भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में गाइस। तो गाइस आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे बहुत सारा लकी ड्रॉ और भी बम्पर बम्पर ऑफर से, और जो भी इस वीडियो के थ्रू आके यहाँ से गाड़ी लेकर जाएगा गाइस उनको मिलने वाला है फुल टैंक ऑफ फ्यूल गाइस, और उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ एज लाइक अ हेलमेट और भी बहुत सारी कुछ चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है आप लोगों को। तो गाइस स्टे ट्यून और वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ इंक्लूड करने वाले हैं इंक्लूडिंग द व्हीकल्स इन्फॉर्मेशन गाइस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, ये जो पूरा सेक्शन है ये स्कूटी का सेक्शन है, एंड स्पेशली मैं आप लोगों को बता दूँ सेकंड या थर्ड वीडियो में आ जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी बाइकें रखी हुई है गाइस, इंक्लूडिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी भी है गाइस। सो अगर आपको एक टू व्हीलर लेनी है और भी अच्छा कंडीशन में लेनी है और थोड़ा सा कम प्राइस या फिर बजट रेंज में लेनी है तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे हमारी रखी हुई है यामा की तरफ से आने वाली एयरॉक्स, तो इसकी प्राइस क्या रह जाएगी भैया? ये इसकी प्राइस आपकी रहेगी 130,000। ओके ओके, आस्किंग प्राइस 130,000 है भैया, इसमें कुछ निगोशिएबल होगा? हाँ निगोशिएबल हो जाएगा। ओके ओके, हर गाड़ी में आपका निगोशिएबल हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। ओके ओके ओके, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ हमारे ऊपर ही है वो हम। अच्छा ये जो प्राइस आप बोले हो इस प्राइस के अंदर सब कुछ हो जाएगा राइट? प्राइस के अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड करा हुआ है। ओके, और एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये जो गाड़ी है ये कितनी चली हुई है? ये गाड़ी आपकी लगभग 17 से 18 हज़ार चली हुई है, 2022 मॉडल है। ओके ओके, एंड और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, गाड़ी का कंडीशन आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो इंक्लूडिंग द टायर्स, और मैं यहाँ पे इंजन का भी थोड़ा सा लुक आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इंजन अभी भी सील पैक्ड है और बाकी गाड़ी में कहीं पर भी स्क्रैचेस नहीं है, और गाइस यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देख सकते हो बहुत सही है। उसके बाद गाइस हम लोग बढ़ जाते हैं, ये होंडा की तरफ से आने वाली ग्राजिया है, तो भैया इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? ये आस्किंग प्राइस 57,000। ओके ओके, 2018 की मॉडल है। ओके, गाड़ी का कंडीशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगी, वाइट कलर वेरिएंट में है, और बाकी गाड़ी का कंडीशन आप लोग देख सकते हो, टायर्स भी बहुत ही सही कंडीशन में, आप आके यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद गाइस हम लोग बढ़ जाएंगे, हमारी जो नेक्स्ट गाड़ी है होंडा की तरफ से आने वाली, ये शायद एक्टिवा है या 5G है क्या? एक्टिवा 125। ओके, ये एक्टिवा 125 है, तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है? ये आपकी 2022 मॉडल है। ओके, इसकी आस्किंग रखी गई है आपकी 72,000। ओके नाइस, और लगभग कितनी चली हुई है गाड़ी? ये गाड़ी चली हुई आपकी लगभग मान के मोटा मान के चले 20-25 ना। ओके तो गाइस उसके बाद हम लोग नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं, ये यामाहा की तरफ से आने वाली फेसिनो है, तो भैया इसकी आस्किंग प्राइस क्या रखी गई है? ये 70,000। ओके ओके गाइस, तो हम लोग फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, यहाँ पे टीवीएस की तरफ से आने वाली एंटॉक 125 है, स्पेशली ये शायद कैप्टन अमेरिका वाली एडिशन है ना। ओके ओके, तो इसकी प्राइस क्या रह जाएगी भैया? इसकी प्राइस आस्किंग 80,000। ओके ओके नाइस, एंड उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं, और एक एंटॉक रखी हुई है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? 70,000। वाह नाइस, और ये कौन से साल की मॉडल है भैया? ये दोनों 2021 की मॉडल। ओके दैट्स वेरी नाइस, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे 150cc वाली एप्रिला रखी हुई है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है और कौन से साल की मॉडल है भैया? ये 2020 की मॉडल है, ये आपकी 60,000 आस्किंग है। ओके वेरी नाइस, एंड आई होप ये ग्राजिया है होंडा की तरफ से आने वाली। और यहाँ पे गाइस अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक आपको एक्सटर्नल फॉग लैंप भी देखने को मिल जाती है, गाड़ी का कलर काफ़ी सही है, थोड़ा बहुत माइनस स्क्रैचेस है वो, बाकी आप लोग आके भैया से बात कर लीजिएगा क्या है क्या नहीं। और इसकी प्राइस जानना चाहेंगे भैया, इसकी प्राइस क्या रखी गई है? आपकी 58,000। ओके, हैवी डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडेड। अच्छा, और ये कौन से साल की मॉडल है भैया? ये 2018 की मॉडल। ओके वेरी नाइस, और पीछे आप लोग देख सकते हो गाइस चमचमाती हुई रेड कलर वेरिएंट में यहाँ पे होंडा की तरफ से आने वाली डियो खड़ी हुई है, तो डियो की प्राइस क्या रखी गई भैया? ये इसका आस्किंग 49,000।
ओके वेरी नाइस, ये कौन से साल की मॉडल है? ये 2017। ओके गाइस, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, गाड़ी का कंडीशन आप लोग यहाँ से कुछ चेकआउट कर सकते हो। कलर कम्बिनेशन मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगी, ऊपर से सामने से अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो यहाँ पे कहीं पे भी एक स्क्रैचेस भी देखने को नहीं मिलेगा गाइस, और बाकी टायर का कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा सही है, तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ पे आके एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो यामा की तरफ से आने वाली रेज रेडर खड़ी हुई है, जो कि ब्लू कलर में काफ़ी सही कलर वेरियंट में, और यहाँ पर थोड़ी बहुत शायद पैपरिंग की गई है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो गाइस। और भी गाइस यहाँ पे मतलब ओवरऑल इसका लुक्स बहुत ही सही लगा मेरे को, स्पेशली गाड़ी पे माइनर से थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है तो वो आप लोग इग्नोर कर सकते हो, और बाकी यहाँ पे आके देखने से अगर आपको पसंद आता तो डेफिनेटली लेकर जाइएगा, और आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा डिस्काउंट वगैरह भी है और भी बहुत सारी ऑफर्स है। तो भैया से पूछना चाहूँगा कि भैया इसका प्राइस क्या रखी गई है? ओके, कौन से साल की मॉडल है भैया? 20 की मॉडल। उसके बाद गाइस ये मेरे को लग रही है मैस्ट्रो है, तो मैस्ट्रो की प्राइस क्या रखी गई भैया? ये 18 की मैस्ट्रो है, इसकी आस्किंग 48,000। क्या बात है, सही है। उसके बाद आई थिंक इज अ डियो, ये 2020 मॉडल की है। ओके, और प्राइस? ये इसकी आस्किंग है 60,000। वेरी नाइस, गाड़ी की कंडीशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, बाकी ओवरऑल लुक्स मेरे को इसकी बहुत सही लगती है। टायर्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, टायर्स भी लाइक अभी भी 10-15 हज़ार किलोमीटर तो ऐसे ही चल जाएगी, एंड ओवरऑल गाड़ी का अगर इस तरफ से मैं आप लोगों को लुक्स चेक करवाता हूँ, गाड़ी का लुक्स काफ़ी ज़्यादा सही है, वही थोड़ा बहुत माइनर से स्क्रैचेस वगैरह है, आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। और उसके बाद गाइस यहाँ पे मैस्ट्रो एज खड़ी हुई है, जो कि हीरो की तरफ से आ रही है, इसकी कलर कम्बिनेशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगी। ये शायद कोई स्पेशल वेरियंट है क्या भैया, या फिर नॉर्मल एडिशन है? ये आपका मैस्ट्रो एज है, ये थोड़ा हाँ इसका ग्राफिक थोड़ा सा अलग लग रही है, थोड़ा सा स्पेशल लिखने को लग रही है। तो इसकी प्राइस क्या रखी है भैया? इसकी प्राइस आपकी 48,000। 48,000, कौन से साल की मॉडल है भैया? 2018। ओके, वैसे ये कितनी किलोमीटर चली हुई है थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो आप? ओके वेरी नाइस, एंड उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं होंडा की तरफ से आने वाली, ये कौन सी है? हाँ ओके, एक्टिवा आई है गाड़ी, व्हाइट कलर वेरिएंट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, और कहीं से भी आपको कहीं से भी मतलब थोड़ा बहुत स्क्रैचेस देखने को मिल रही है। और गाइस ये जो गाड़ी है यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक के साथ आती है, तो भैया इसकी प्राइस क्या रखी गई है? ओके, ये चली हुई आपकी 11,000 किलोमीटर। ओके वेरी नाइस, कोई लेडीज वगैरह मतलब कोई चलाना चाहे तो मतलब बहुत ही लाइट पेपी स्कूटर है, माइलेज भी बहुत अच्छा खासा दे देता है। लगभग इसमें से कितना माइलेज निकाल सकते हैं? 50 तो पूरी निकाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हीरो की तरफ से आने वाली मैस्ट्रो एज खड़ी हुई है, तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है भैया? 2019 की गाड़ी है, ये आपकी 49,000। अच्छा वेरी नाइस, उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं, यहाँ पे एक्टिवा रखी हुई है, ये शायद 125 या 5G है? ये एक्टिवा 6G। ओ अच्छा, ये एक्टिवा 6G है, वेरी नाइस। यहाँ पे गाइस आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे LED हेडलैम्प दिया गया है, और बाकी गाड़ी का लुक्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। इसकी आस्किंग प्राइस क्या रखी गई भैया? 73,000। वेरी नाइस, ओके, और कौन से साल की मॉडल है? 2022 की मॉडल, दैट मीन्स ये सिर्फ एक साल पुरानी है, और वैसे देख के लगता नहीं है ज़्यादा चली हुई है, तो डेफिनेटली गाइस आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो गाइस। और उसके बाद अगर हम लोग चेकआउट करेंगे तो हीरो की तरफ से आने वाली प्लेजर, तो इसी प्लेजर प्राइस क्या रहेगी? ये 46,000 चली हुई है। अच्छा वाह, ओके, और एक चीज़ मैं आप लोगों को नोटिस करवा देता हूँ, ये की पॉइंट है गाइस, यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, इसकी टायर एकदम नहीं डली गई है। वैसे ओवरऑल गाड़ी का लुक्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, और स्पेशली किसी को अगर पिंक गाड़ी पसंद है तो फिर डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकता है। पेप्ला से TVS की तरफ से आने वाली, तो इसकी आस्किंग प्राइस एक बार ज़रूर बता दीजिए भैया। 39,000, वेरी नाइस। और गाड़ी कितना चली हुई है थोड़ा बहुत आइडिया? मोटा मोटे मान के चलिए ये आपकी चली हुई है 16,000, वेरी नाइस। और बाकी ओवरऑल गाड़ी के लुक्स के बारे में बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा सही लग रही है, और ये मतलब थोड़ा सा छोटा गाड़ी है, जिन लोगों को मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकता है। गाड़ी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और स्पेशल लड़कियों के लिए पिंक कलर अगर किसी को पसंद है तो फिर डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से चेक करते हैं तो ये हीरो की तरफ से आने वाली प्लेजर है, तो प्लेजर की प्राइस आप बता देंगे थोड़ा सा? ये 45,000। अच्छा 18 की गाड़ी है, 45,000 देकर आप इस गाड़ी को लेकर जा सकते हो। गाइस गाड़ी का कंडीशन बिल्कुल सही है, डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर सकते हो।
सकते हो। और बाकी अगर TVS की तरफ से बात करें, ये आ रही है एंटॉक 125, वो पहले वाली वेरिएंट। तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है भैया? इसकी मॉडल है 2019 की मॉडल है गाइस, आस्किंग 60,000 है। ओके, नेगोशिएबल तो हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके ओके। और बाकी उसके बाद यहाँ पे ये कौन सी आ रही है? ये सुजुकी की लेट्स है, ये पहले आती थी। यस एग्जैक्टली, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये गाड़ी मैंने कभी देखी नहीं है, बट गाड़ी का कंडीशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, सुजुकी की तरफ से आने वाली ये लेट्स। वैसे गाड़ी का कंडीशन तो ओवरऑल लुक्स बहुत अच्छी है। और इसकी आस्किंग प्राइस? इसकी आस्किंग प्राइस 47,000 ओनली। 47,000, वेरी नाइस। लाइक और कितनी पुरानी है गाड़ी? ये गाड़ी आपकी 2018 की है। नाइस, ये सुजुकी की तरफ से आने वाली वन ऑफ द लास्ट 110cc स्कूटर्स थे। अच्छा, ओके। जो 110cc का जो इंजन था ना, बहुत बढ़िया था। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे आप लोग टेस्ट राइड लेने आ सकते हो। तो आई सजेस्ट कि आप लोग आके एक बार टेस्ट राइड लेकर ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली लेकर जाइएगा। और एस तो गाइस बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई है, एक ना एक गाड़ी तो आप लोगों को पसंद आ ही जाएगी गाइस। उसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे हीरो की तरफ से आने वाली मैस्ट्रो। तो इसकी प्राइस क्या रखी है भैया? इसकी 2014 वेरिएंट है। ओके, इसकी आस्किंग 40 है। ओके, प्राइस नेगोशिएबल होगा। आपको अगर पसंद आता है तो हम लोग नेगोशिएट करके दे देंगे। डन 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 डन। उसके बाद गाइस से आप लोग चेक कर सकते हो यामा की तरफ से आने वाली ये RZR है। तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है भैया? ये 2021 वेरिएंट है। हां, और इसकी आस्किंग 75,000। ओके नाइस, ये खाली 2 साल चली है। गाड़ी का लुक्स देख के ऐसे पता चल रहा है कि ज्यादा चली हुई नहीं है गाड़ी। सही है गाइस, आप लोग मतलब थोड़ा सा ऐसे नया कंडीशन में गाड़ी चाहिए और थोड़ा सा आप लोग प्राइस पे कर सकते हो, फिर डेफिनेटली इस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए आप लोगों को। बाकी तो गाइस हम लोग बढ़ जाते हैं होंडा की तरफ से आने वाली एक्टिवा 125 की तरफ। तो ये गाड़ी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा सही है। और थोड़ी सी प्राइस जान लेते हैं। ये 2019 वेरिएंट एक्टिवा 125। ओके, 55,000। वाओ, वेरी नाइस। और वैसे गाड़ी कितनी चली हुई है? कोई जी मोटा मोटी मान के चलिए 35,000 तक चली हुई। ओके ओके, वेरी नाइस। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो मैस्ट्रो है। तो इस मैस्ट्रो प्राइस क्या रखी गई है? जिसकी आस्किंग प्राइस ओनली आपकी 48,000 है। ओके, और ये 2018 की गाड़ी है। ओके, उसके बाद ये होंडा की तरफ से आने वाली एक्टिवा है जो कि है 5G। तो इस 5G की प्राइस क्या रखी गई है? जिसकी प्राइस 58,000 है। अच्छा, ओके, या तो गाइस उसके बाद यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो रेड कलर में होंडा की तरफ से आने वाली डियो खड़ी हुई है। तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है भैया? जी ये इसकी प्राइस आपकी है 58,000, 2019 मॉडल है। ओके, और गाड़ी कितनी चली हुई है? गाड़ी आप मोटा मोटी मान के चलिए 30-35,000 और गाड़ी का कंडीशन में थोड़ा सा आप लोग चेक करवाता हूँ। यहाँ से आप लोग टायर चेकआउट कर सकते हो। और बाकी इंजन की तरफ से आप लोग अगर देखोगे तो फिर इंजन अभी भी सील्ड पैक है और पीछे का टायर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, सही कंडीशन में है। और गाइस उसके बाद अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत बल्कि गाड़ी पसंद है, मतलब स्कूटी में स्पेशली, तो यहाँ से आप लोगों को एक मैक्सी स्कूटर मिल जाएगा जो कि बार्गमैन। तो इसकी प्राइस क्या रखी गई है भैया? ये 2021 वेरिएंट है। ओके, इसकी आस्किंग 75 है। बेसिकली आपकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। यस, मैट फिनिश में आती है। स्नैप तो ये डिजिटल कंसोल मिल जाता है। ओके ओके ओके, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें ब्लूटूथ फीचर्स आता है? हाँ, इसमें ब्लूटूथ फीचर्स। वाह, वेरी नाइस। एंड गाइस उसके बाद हम लोग प्लेजर की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हीरो की तरफ से आने वाली प्लेजर खड़ी हुई है। तो प्लेजर की आस्किंग प्राइस क्या रखी गई भैया? इसकी आस्किंग प्राइस 45,000 है, 2018 की, 2018 की प्लेजर है। ओके ओके, वेरी नाइस। एंड उसके बाद यहाँ पे ये एक्टिवा कौन सी है? 125 व्हाइट कलर वेरियंट में रखी हुई है। तो इसकी प्राइस क्या रखी गई भैया? इसकी आस्किंग 48,000 है, ये 2018 की वेरियंट है। एंड अगर आगे की तरफ बढ़ जाते तो गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो होंडा की तरफ से आने वाली ये कौन सा है? ये एक्टिवा आई है जो पहले हमने देखा। यस यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे दूसरा कलर वेरिएंट मिल जाती है आप लोगों को, अगर वो कलर पसंद नहीं है तो डेफिनेटली इस कलर की तरफ आप लोग जा सकते हो। और इसकी प्राइसिंग क्या रखी गई है भैया? इसकी आस्किंग प्राइस 38,000 है। ओके, और कौन से साल की मॉडल है? ये 2015 की मॉडल है। ओके, और गाइस इसके बाद हम लोग आप लोगों को चेक करवाएंगे दो दो डियो, दो भी अलग अलग कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। तो भैया एक एक करके प्राइस बता दीजिए। जी ये दोनों की प्राइस आपकी 60,000 है। ओके, दोनों 2020 वेरिएंट है।
ओके और एक चीज़ गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, लाइक टायर्स वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो अभी भी, लाइक नहीं मतलब लाइक कंडीशन नहीं है ऑलमोस्ट लाइक, एंड बाकी यहाँ से आप लोग चेकआउट कर ही सकते हो कि गाड़ी का कंडीशन कैसा है, तो उस हिसाब से आप लोग आके देख के लेकर जा सकते हो गाइस। इसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो होंडा की तरफ से आने वाली एक्टिवा 125 रखी हुई है, जो कि दूर से देखने में बहुत ज़्यादा चमक रही है और गाड़ी का कलर कम्बिनेशन बहुत सही है, और सामने की तरफ से ये जो इंडिकेटर्स देख सकते हो गाइस क्या सही लुक्स आ रही है इसके साथ। तो भैया इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? जी आपकी 2023 मॉडल है। अच्छा ओके, ये रनिंग ईयर की मॉडल है और इसकी आस्किंग प्राइस 80,000 है। ओके, और वैसे इस गाड़ी माइलेज कैसा निकल लेगी? ये इस पे से मोटा मोटी हम मान के चलिए 45 तो आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि ये रिलायबल इंजन है। एग्जैक्टली, सिटी टेक्नोलॉजी भी है। तो 45 आप आराम से निकाल लेंगे, बाकी आपका ये ट्रैफिक कंडीशंस पे भी। एग्जैक्टली, और राइडिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है माइलेज कितना दे रही है। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग अगर चेक करोगे तो यहाँ से और एक डियो रखी हुई है जो शायद थोड़ी पुरानी है। कौन से साल की मॉडल है भैया? 2018 की मॉडल है। ओके, और इसकी आस्किंग प्राइस 55,000। वेरी नाइस। और उसके बाद गाइस यहाँ से एक्टिवा 6G ब्लैक कलर वेरियंट में अवेलेबल है, तो इसकी प्राइस भैया 2022 की मॉडल है। ओके, 75,000 इसकी आस्किंग है। ओके ओके, और गाइस उसके बाद होंडा की तरफ से आने वाली यहाँ पे और एक एक्टिवा 125 है, तो भैया इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? इसकी प्राइस आपकी 80,000 है। ये ओके, आपकी 2022 मॉडल है। ओके, तो लगभग लाइक एक साल भी पुराना नहीं है। हाँ, ये आपका एक साल हो गया। अच्छा, उसका आपका एक साल नहीं है। ये वाली उसका बर्थडे भी बात डेफिनेटली गाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास यहाँ पे मैस्ट्रो एज खड़ी हुई है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है भैया? जिसकी आस्किंग प्राइस 45,000। 45,000, वाह गाइस, मतलब सोने पे सुहागा, बहुत सही कंडीशन में ये गाड़ी आप लोगों को मिल रही है। और माइलेज के बारे में अगर बात करेंगे तो इसकी माइलेज मतलब लाइक 45-50 किलोमीटर पर लीटर माइलेज आराम से निकल। सो गाइस लगभग हम लोगों ने सारा स्कूटी खत्म कर लिया, अभी थोड़ा सा भैया से मिलाते और थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में बात करते, और कुछ एक लास्ट में ऑफर भी चालू है। तो फिर भैया एक्चुअली अभी ये पूजा का सीज़न है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम आपको बेस्ट सर्विस दे सकें, उसके साथ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी भी प्रोवाइड कर सकें। इसीलिए आप अगर कोई भी टू व्हीलर हमारे यहाँ से लेते हैं तो हम लोग आपको उसके साथ फुल टंकी का तेल करा के देंगे, एंड उसके साथ एक हेलमेट भी आपको फ्री में देंगे। ये विद इन पूजा तक का ऑफर है, एंड जितने भी कस्टमर विद इन पूजा हम लोगों से गाड़ी लेंगे फिर उनमें से एक लकी ड्रॉ होगा, एंड उस लकी ड्रॉ में से वो अलग अलग वो प्राइजेस है वो अलग अलग विनर्स को मिलेगा। बट आपकी बाकी फॉर श्योर है कि आप अगर गाड़ी लेके जाएंगे टू व्हीलर हमसे तो आपको फुल टंकी तेल मिल जाएगा एंड आपको एक हेलमेट तो मिल ही जाएगा। सो गाइस आप लोग आई होप कि पता चल गया होगा सिलचर में जितने सारे भी शोरूम है सबसे ज़्यादा यहाँ पे कम प्राइस में देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे फुल टैंक या फिर हेलमेट कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका एड्रेस भैया से एक बार पूछ लेंगे, भैया इसका एड्रेस बता दीजिए। जी हम लोग का एड्रेस पड़ेगा आपका ये एयरपोर्ट रोड पड़ता है बेसिकली, तो एयरपोर्ट रोड दुर्गानगर पार्ट 4 आपका ठीक ये राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बगल में ही हम लोग का शोरूम, उधरबन टाउन पहुँचने के ठीक पहले हम लोग का शोरूम आ जाता है, लेफ्ट साइड अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं एंड राइट साइड अगर आप एयरपोर्ट से सिलचर की तरफ जा रहे हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों का लोकेशन मिल गया होगा, तो फिर डेफिनेटली गाइस आपको आना तो बनता है गाइस। और तो और गाइस इसके बाद और एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम लोग बाइक के बारे में बात करेंगे, डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे गाइस। सो इस वीडियो को यहीं पे रखता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दियो लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे इसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।